अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लाइव विद बुशरा। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज हमारी किचन में बन रही है नेस्कैफे की 3-in-1 कॉफ़ी। अच्छा, कुछ लोग इसको ना पानी में बना लेते हैं, लेकिन मैं जो हूँ वो दूध में पसंद करती हूँ, और दूध में इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, पानी में इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। और एक पैकेट में 2 कप कॉफ़ी के बन जाते हैं। इसमें चीनी ऐड अपनी मर्ज़ी से करनी होती है। अगर तो आपको चीनी बहुत पसंद है, मीठा बहुत पसंद है, तो आप इसको इसमें चीनी ऐड करें, और अगर नहीं पसंद तो इसमें जो पैकेट में होती है वही कॉफ़ी होती है। अगर शुगर है तो फिर तो रहने ही दें आप लोग। और इस सॉस पैन में सबसे पहले मैंने 2 कप दूध के लेंगे, 1 कप जो है मैंने मिल्क पैक ऐड किया, और 1 जो है मैंने सिंपल जो आप लोगों के घर में दूध आता है वो मैंने ऐड कर लिया, ताकि क्रीमी कॉफ़ी मैंने मिल्क पैक इसलिए मैंने ऐड किया। अच्छा, 1 टेबल स्पून मैंने चीनी का ऐड किया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी नेस्कैफे की कॉफ़ी। अच्छा, जैसे ही आप लोग इसमें कॉफ़ी ऐड करेंगे, इसको साथ साथ आपने मिक्स करना है, ताकि ये कॉफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अच्छा, मिक्स करने के बाद इसको बॉयल आने का वेट करेंगे, और जैसे ही बॉयल आएगा तो आपकी कॉफ़ी रेडी हो जाएगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। तो इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे, और जैसे ही बॉयल आएगा तो कॉफ़ी होगी रेडी। आप इसको डिश आउट करेंगे, और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे ही सर्दियाँ तो ये रेसिपी आपको भी पसंद आएगी। आप इसको ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये मैंने डिश आउट कर दिया। अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।